प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम अकेडमीज लेसन की मैथ सीरीज के सिलसिले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक असूल और फार्मूला आपको समझा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को उर्दू में ज़र्बे चिलीपाई कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है दो कसूर पर मुश्तमिल मसालों को आपस में ज़र्ब देना। इस असूल के मुताबिक, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ज़र्ब चिलीपाई के असूल के मुताबिक, एक मुसावात के शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर को दूसरी मुसावात के मखरिज यानी डिनोमिनेटर से ज़र्ब दी जाती है, और इसी तरीके से दूसरी मुसावात के न्यूमरेटर यानी शुमार कुनिंदा को पहली मुसावात के डिनोमिनेटर यानी मखरिज से ज़र्ब दी जाती है। और इस तरीके से दोनों मुसावातों के हासिल ज़र्ब एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी आपके सामने दी गई मुसावात यानी ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी में ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा ए डी बराबर है, यानी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई बी यानी बी सी। तो इस तरीके से इस मसावात का जवाब हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसी तरीके से इस तरह की हर मसावात में इसी असूल के मुताबिक एक ही जगह जो भी रकम होगी उसे डी से मल्टीप्लाई करेंगे और सी की जगह जो भी रकम होगी उसे बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों का हासिल ज़र्ब एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होगा। ये भी याद रखिए कि इन मसावातों में से अगर कोई एक भी रकम मौजूद ना हो, यानी ए बी सी और डी में से कोई एक भी मौजूद ना हो, तो हम उसकी जगह वन रखेंगे और इसी असूल और इसी तरीके के मुताबिक मल्टीप्लाई करेंगे।